हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद माइंड मैप बाय ममता वर्मा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर जो मैं डिस्कशन करने वाली हूँ वो है कि एक्सट्रीमिज्म की जो फीलिंग रखते थे बंदे वो किस तरह से राइज करते हैं, कहाँ भाई कांग्रेस के अंदर। ठीक है, कांग्रेस के अंदर जो एक्सट्रीमिज्म की फीलिंग थी, जिन्हें हम एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, वो किस तरह से राइज करते हैं, ये हम अपने आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करते हैं। ओवरऑल जो उसके एक सिचुएशन बनती है, उस कंप्लीट सिचुएशन को हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से जो एक्सट्रीमिज्म की फीलिंग डेवलप हो जाती है बंदों के अंदर, और वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे सोल्यूशन की तरफ जाते हैं जो कि क्या था, एक्सट्रीमिज्म ने निकाला था। ठीक है, ये हम अपने आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते ही हो, अपने जो ये कंप्लीट कोर्स है, ये UPSC APFO प्लस जितने भी SSC एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करती है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए सफिशियंट है, और इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इसी चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और आपको जो भी अपने डाउट्स होते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ के साथ अगर आपको कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन लगती है कि भाई हाँ, यहाँ भी आपको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर बता सकते हैं। सो आपकी जो पॉलिटी की क्लासेस हैं वो आपकी मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी, सो आप उन क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को। कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगी कि जो एक्सट्रीमिज्म के अंदर बंदे थे, जो लीडर थे, वो कितने थे, चार थे। फर्स्ट कौन था, अरविंद घोष था। सेकेंड बाल गंगाधर तिलक, जिसको आप लोकमान्य तिलक भी बोलते हो। ठीक है, थर्ड आता अपना लाला लाजपत राय, एंड फोर्थ था बिपिन चंद्रपाल। अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक और लोकमान्य तिलक एक ही बंदे हैं, अलग अलग नहीं हैं। थर्ड लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्रपाल, ये अपने कुछ एक्सट्रीमिज्म के फीलिंग रखने वाले बंदे थे जो आगे चल के कांग्रेस से सेपरेट आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले की जो क्या कहानी थी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था भाई, 1885 के अंदर क्या हो जाते हैं, कांग्रेस बनाते हैं। कौन बनाता है भाई, AO ह्यूम बनाते हैं। AO ह्यूम कांग्रेस को बनाते हैं। कांग्रेस को बनाने के बाद जो मॉडरेट्स थे वो लीड करते हैं इसे। लीड करने के बाद इनके सेशन होते थे, कब होते थे भाई, दिसंबर के अंदर होते थे। उसके बाद जो यहाँ पे ये लीडर्स थे वो किसको फॉलो करते हैं, 3P वाले एक इनके एक मॉडल है जिसको ये फॉलो करते हैं। अब आप बोलोगे 3P मिंटू से क्या, 3P का मतलब होता है प्रेयर करना, अपने पेटिशंस को रखना, और साथ के साथ जो भी आपके रिजोल्यूशंस करवाने हैं आपको, वो रिजोल्यूशंस को करवाना। ठीक है, ये थे 3P को फॉलो करने वाले कौन, मॉडरेट्स के कुछ लीडर्स, जिनको आप जानते हो पहले से ही। मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि जो मॉडरेट्स के लीडर थे वो काफ़ी, मतलब एक तो वो हाई क्लासेस के जितने भी बंदे थे उनसे कॉन्टेक्ट थे, और साथ के साथ जो वो लोअर क्लासेस के थे, पीजेंट्स वगैरह, या फिर आप बोल सकते हो जो भी अपने फैक्ट्री वर्कर्स थे, जो इतने भी अपने आर्टिशंस थे, वो इनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं रखते थे। वो डायरेक्ट ही दूर से प्रॉब्लम्स को जज करते थे, हाँ भाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, अब की बार हम ये वाला इशू उठाएंगे। मतलब इन्हें मतलब नहीं था एक आम बंदे की लाइफ से कि भाई वो उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ये डायरेक्ट बोलने लगे कि भाई एजुकेशन चाहिए, लेकिन वहाँ पे जो एक आम बंदा था, जो एक किसान था, जो एक क्या था, मजदूर आदमी था, उसको दो वक्त का खाना नहीं मिल रहा, तो उसके लिए जो एजुकेशन है वो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती। फर्स्ट ऑफ ऑल उस बंदे को पेट भरने के लिए खाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो मॉडरेट्स के अंदर कौन कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे, बद्रुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और SN बैनर्जी, ये अपने चार बंदे थे, चार लीडर थे किसके अंदर, मॉडरेट के अंदर। ठीक है, तो एक्सट्रीमिज्म से जो फीलिंग आती है वो यहीं से डेवलप्ड होना शुरू हो जाती है कि डायरेक्ट किससे कांटेक्ट है, ये करते हैं भी जमींदार से, और दूसरे जितने भी हाई क्लासेस के बंदे हैं उन सब से कांटेक्ट रखते हैं, गरीब से तो है नहीं भाई। अगर गरीब से कनेक्ट नहीं हो गए तो आपको प्रॉब्लम्स को कैसे पता चलेगा कि ये किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो सेम बात है, एक्सट्रीमिज्म के राइज होने का फर्स्ट ऑफ ऑल यही रीज़न था कि वो, मतलब एक जो मजदूर आदमी है उसके प्रॉब्लम को समझ ही नहीं रहे थे, नहीं समझ रहे थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, वो प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न बताए गए हैं यहाँ पे, बैड इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक कंडीशन तो ऑब्वियसली बैड तो होनी ही थी, बैड हो जाती है, क्यों होती है भाई, हैवी टैक्स लेते हैं। हैवी टैक्स लेने के साथ ही साथ अगर कोई भी फेमिनाइन आ जाता है, उस टाइम पे क्या था, एक फेमिनाइन भी आया था, 1896 में आया था और 19 तक चलता था, मतलब उस टाइम पे बंदों में इतनी भुखमरी आ जाती है कि उन्हें खाना नहीं मिलता, उनके टैक्स इतने ज़्यादा है, ऊपर से उन्हें खाने को रोटी नहीं मिल रही, तो बंदे क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, ऊपर से उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस वैसे ही ख़राब हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि जो अपना सेडिटेशन चार्ज होता है अगेंस्ट द लीडर, जो भी वो लीडर्स थे यहाँ पे, लीडर्स के अगेंस्ट क्या करते थे, कोई ना कोई चार्ज लगा के उन्हें जेल में अरेस्ट करने की सोचते थे, कौन भाई, ब्रिटिशर्स।
और जो भी इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लेके आता है, कौन कर्जन लेके आता है, कौन सा इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, ये कर्जन जो है वो ये चाहता था ताकि जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो एक नया यूथ है उसके अंदर भी खून खोखलेगा भाई कि भाई यहाँ ऐसा ऐसा कर रहे हैं ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया के अंदर, तो ऑब्वियसली बात है जो कर्जन है वो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के बारे में सोचते हैं। सो ये एक यूनिवर्सिटी एक्ट लेके आते हैं, ऑफिशियली सीक्रेट एक्ट थे 1904 के अंदर, और कुछ मास स्ट्रगल और जो ग्रोथ और एजुकेटेड पीपल्स थे उनके साथ भी अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। अब आप बोलोगे कुछ ये सीक्रेट एक्ट जो भी लेके आए थे उसके अकॉर्डिंग यही था कि जो भी अपने यहाँ पे बंदे जितने भी बार बार यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, बंदों के अंदर क्या आ रही थी, नेशनलिज्म बंदों के अंदर आ चुकी है, वो एक यूनिटी बनाना जान चुके हैं। तो उसके बाद क्या था, जो एजुकेटेड पीपल्स थे वो भी क्या कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं भाई, किसका, जो गरीब बंदे थे जैसे अपने पीजेंट्स वगैरह थे, साथ के साथ जितने भी एजुकेटेड पीपल्स थे वो तो और दूसरे बंदे भी ज़्यादा एजुकेटेड होते जा रहे हैं, लेकिन जो पहले से एजुकेटेड पीपल्स थे उन्हें जॉब ही नहीं मिल रही। जॉब क्यों नहीं मिल रही भाई, गवर्नमेंट किसकी है, ब्रिटिशर्स की है। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही तो अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, उससे फिर से वही क्या आएगा भाई, इकोनॉमिक कंडीशन फिर से ख़राब हो जानी है। तो उसके बाद क्या आएगा, जो वेस्टर्न कल्चर था उसके राइज कर रहे थे, मतलब हमारे जो स्वदेशी था उसको तो हमें पहनने नहीं दे रहे और बाहर से जो कपड़े हैं वो लेके आ रहे हैं और वही हमें बेच रहे हैं, तो इससे तो वैसे भी वेस्टर्न कल्चर यहाँ पे क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, और जो स्वदेशी है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ आती है वो ये आती है, कुछ इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस हो जाती है, मतलब बंदों के अंदर क्या आ जाती है, फीलिंग आती है किस चीज़ की, कि भाई हम जो ब्रिटिशर्स हैं उनको अपने इंडिया से उखाड़ फेंक सकते हैं। वो भाई कैसे, जापान था वो जीत जाते हैं किससे, रशिया को डिफीट करने के बाद 1905 के अंदर, जान जाते भाई बंदों के अंदर आ जाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं भाई, पत्रिकाएँ छपती हैं। उसके बाद जो सेकेंड बोर वॉर थी वो 1899 से 1902 तक चलती है, जिसमें ब्रिटिशर्स की लड़ाई होती है किसके साथ, साउथ अफ्रीका के साथ। तो साउथ अफ्रीका जो था वो क्या होता है, वो डिफीट कर देता है किसको, ब्रिटिशर्स को, और क्या हो जाता है, खुद रिपब्लिक हो जाता है। यहाँ भी ये बंदे देख रहे थे, बंदों में जोश आ गया भाई, किस में, इंडियंस में, अच्छा साउथ अफ्रीका वालों ने कर दिया तो हम तो वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी फीलिंग्स बंदों के अंदर आनी शुरू हो जाती हैं, और वो क्या हो जाते हैं, जो वो सेक्रीफाई कर रहे थे ब्रिटिशर्स की वजह से वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। तो ओवरऑल क्या हो जाता है, बंदों के अंदर गुस्सा तो चढ़ ही रहता है, बंदों के अंदर गुस्सा भर जाता है, और ऊपर से उन्हें क्या मिल जाए, कोई भी उन्हें क्या मिल जाए, उन्हें कोई लीड करने वाला बंदा मिल जाए। अगर कोई लीडर मिल जाएगा तो बंदे क्या हो जाएंगे, उन्हें अपने आप रास्ता तो पता चल जाएगा, तो वो चल पड़ेंगे उसी पे, ठीक है। लेकिन यहीं पे एक चीज़ और आती है जो एक्सट्रीमिज़म्स को बाहर निकालने पे मजबूर कर देती है, वो क्या थी, जो पार्टीशन होते हैं बंगाल का जब पार्टीशन होते हैं तो उस टाइम पे जो एक्सट्रीमिज़म थे वो क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं, और वो बोलते हैं कि अब तो हमें आना ही पड़ेगा आगे। वो क्यों भाई, क्योंकि जो मॉडरेट्स थे वो सिर्फ कॉपी पेन लेके अपने जो भी उनकी क्या थी डिमांड्स वगैरह थी कि पार्टीशन ना करो, ये ना करो, वो ना करो, सिर्फ वो लिखते थे और जाके क्या करते थे, 3P के रूल को फॉलो करते थे। बताया था, जाके प्रेयर की तरह बोलना कि भाई जो सर या फिर जो भी थे वो, कि भाई आप ऐसे ऐसे ना करो और हमारी कुछ ये डिमांड्स इनको मान जाओ। लेकिन ब्रिटिशर्स इन्हें हल्के में ले रहे थे भाई, इनके कुछ मान ही नहीं रहे थे, सिर्फ मजाक समझ के टाल देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सट्रीमिज्म थे उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आने की वजह से साथ के साथ पार्टीशन देखने के लिए जैसे वो अनाउंस करते हैं तो वो क्या आते हैं भाई, एक्सट्रीमिज़म्स जो थे वो बाहर निकल के आते हैं और इन चीज़ों को लीड करने की सोचते हैं कि हम पार्टीशन नहीं होने देंगे। लेकिन ओवरऑल आप सब जानते हैं रिजल्ट क्या था, पार्टीशन तो हुआ ही था। उसके बाद बात करते हैं जो अपने लीडर्स थे उनमें क्या क्या ऐसी क्वालिटी थी, क्या क्या वो बंदे करना जानते थे, ठीक है। तो अपने जो चार लीडर थे किसमें एक्सट्रीमिज्म की फीलिंग रखने वाले वो कौन थे भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल था अपने पास अरविंद घोष, सेकंड था बाल गंगाधर तिलक जिसका दूसरा नाम क्या भाई, लोकमान्य तिलक, थर्ड लाला लाजपत राय, और लास्ट थे बिपिन चंद्र पाल। ये सब क्या थे अपने लीडर्स थे किसके, एक्सट्रीमिज्म थे, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम ये जान लें कि जो लाला लाजपत राय था उससे एक चीज़ जरूर कनेक्टेड है, आप सब भी जानते हो मे बी, क्योंकि जितना भी मैं आपको बता रही हूँ उससे तो मतलब आपको ये भी पता होगा कि जो एक्सट्रीमिज्म की फीलिंग रख रहे थे लाला लाजपत राय, इनसे एक चीज़ जुड़ी हुई है जिनसे इनकी डेथ भी हो जाती है। साइमन कमीशन थे,
उसके बाद साइमन कमीशन के थ्रू क्या होता है, लाठी चार्ज वगैरह हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो जो साइमन कमीशन का जो भी केस था वो हम डिटेल में करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जो साइमन कमीशन का पूरा वो कमीशन लाया जाता है, वो लाला लाजपत राय उसको पूरे एक मेन रोल को प्ले करते हैं। उसके बाद आते हैं अपने बिपिन चंद्रपाल। बिपिन चंद्रपाल क्या थे भाई, बिपिन चंद्रपाल एक इंग्लिश मैगजीन लिखते थे, इंग्लिश में मैगजीन लिखते थे, न्यू इंडिया। ठीक है, और ये वीकली मैगजीन आती थी, न्यू इंडिया इंग्लिश मैगजीन लिखते थे और ये वीकली मैगजीन आती थी। तो अब आपको सिर्फ ये भी जानना होगा कि जो इंग्लिश मैगजीन आती थी, ठीक है, अगर मान के चलो अपना कोई भी इंडिया का बंदा है, अगर वो कहीं बाहर चला जाता है, मान के चलो वो चला जाता है ब्रिटिश या फिर लंदन या फिर कहीं भी फॉरेन कंट्रीज के अंदर चला जाता है, जब वो वहाँ से आता है तो वहाँ की बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है और ख़ुद को क्या मानता है, ज़्यादा ब्रिटिश मानते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में जब एजुकेटेड पीपल्स होने लगे थे कि 1% को ये क्या दे रहे थे, एजुकेशन दे रहे थे, जब ये 1% 99% को इनको टीच करने की बात आती है, तो ये जो इंडियंस थे जिन्होंने क्या किया था, इंग्लिश को सीख लिया था, वो अपने आप को ज़्यादा ब्रिटिश समझने लग गए थे और वो क्या कर रहे थे, बाकी 99 को सिखा ही नहीं रहे थे। ठीक है, ये होता है ब्रिटिश से भी ज़्यादा ब्रिटिश बनना। तो यहाँ पे जो इन्होंने एक न्यू इंडिया इंग्लिश मैगजीन निकाली थी जो कि वीकली मैगजीन थी, उसके बाद थे अपने कौन, सबसे मेन सबसे बड़े लीडर जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं, ये होते बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक भी बोल सकते हो। इनके दो न्यूज़पेपर आते थे, फर्स्ट था केसरी और दूसरा था मराठा। केसरी जो कि मराठी के अंदर छपता था और जो मराठा था वो इंग्लिश के अंदर इसकी छपाई की जाती थी। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे डायरेक्ट कि जो केसरी था उसकी लैंग्वेज मराठी थी और जो मराठा था उसकी लैंग्वेज इंग्लिश थी, कन्फ्यूज़ नहीं होना, दोनों अपोजिट है। अब आप बोलोगे केसरी केसरी में क्यों नहीं छपता भाई, मराठा मराठी में नहीं क्यों नहीं छपता, तो ऐसा कुछ नहीं था, ये उसका मन था, उसने जो भी किया भाई कुछ सोच के किया होगा। उसके बाद ये कुछ एक बुक लिखते हैं, बुक थी इनकी गीता रहस्य। गीता रहस्य सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है जो कि अपने एग्जाम्स के अंदर भी पैसे इस पर क्वेश्चन आ चुका है, सो आपको इसको जरूर अच्छे से याद करना है कि जो गीता रहस्य है वो किसने लिखी थी, बाल गंगाधर तिलक और लोकमान्य तिलक, कुछ भी आ सकता है ऑप्शन में, आपको याद रखना है। उसके बाद इन्होंने कुछ फेस्टिवल लेके आए थे, शिवाजी और गणपति फेस्टिवल जो कि आज के टाइम पे भी महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं। ये जो फेस्टिवल्स थे इनका सिर्फ मनाने का एक ही रीज़न था कि जो यहाँ पे नॉर्मल बंदे जो भी पीजेंट्स हैं, जो भी अपने क्या थे फैक्ट्री वर्कर्स थे और जो भी अपने क्या थे आर्टिशंस थे, उन सब के आएंगे इस फेस्टिवल में आएंगे और हमें क्या करेंगे, उनमें जो एक फीलिंग थी किसकी, कि भाई हमें क्या करना है, ब्रिटिशर्स को यहाँ से बाहर निकालना है। आपको जो भी उनकी चीज़ें हैं उनको बायोकोड, मतलब जो भी इन्हें अपना एक संदेश देना था वो इन फेस्टिवल के थ्रू जब बंदे इकट्ठे होते थे उनसे वो डिस्कशन करके एक रिजल्ट निकल जाता था। ठीक है, तो उन्हें वो क्या कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे किसके थ्रू, कि हम क्या करेंगे आपके साथ हैं और ब्रिटिशर्स को हम साथ मिलके बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ आप जैसे कि देख पा रहे हो जो आपके एक्सट्रीमिस्ट थे वो क्या कर रहे थे, डायरेक्ट जो आपके पीजेंट हैं फैक्ट्री वर्कर्स हैं और जो भी आपके आर्टिशंस हैं इनसे कनेक्ट हैं, लेकिन मॉडरेट किससे कनेक्ट थे, जो भी आपके जमींदार थे जो भी हाई क्लासेस के पीपल्स थे उनसे कनेक्ट थे। अब अपने आते अरविंद घोष। अरविंद घोष क्या थे भाई, ये बंगाली में एक वीकली मैगजीन लिखते थे जिसका नाम था जुगांता। अरविंद घोष बंगाली में एक वीकली मैगजीन लिखते थे जिसका नाम था जुगांता। ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एसएससी पे बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक जो आपको डाउट है कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताइएगा। लेकिन जो आपका आज का क्वेश्चन है वो ये है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बताना है मुझे कि जो अपना इससे प्रीवियस इंडियन काउंसिल एक्ट जो मैं आपको डिस्कशन कर चुकी हूँ, उस इंडियन काउंसिल एक्ट के अंदर जो मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, उन्हें कौन नॉमिनेट करता था, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो बंदे थे जो नॉमिनेट करके आते थे, वो नॉमिनेशन उनका किसके द्वारा होता था। ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है। सो अगर आपको डाउट है कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, तो आप कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप जाइएगा और अपने कमेंट्स को पुट कीजिएगा। साथ के साथ जो आपको क्वेश्चन दिया है उसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस काफ़ी अच्छी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर अच्छे से सपोर्ट दीजिएगा ताकि मैं भी आपको